मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा। मालेगांव असेंबली इलेक्शन 2024 का प्रचार चल रहा है। 20 नवंबर को वोटिंग है और शहर में तब्दीली की एक लहर है। हम जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, शान की गारंटी, हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं, ये शान की गारंटी बोलकर हम मालेगांव शहरियान के सामने रख रहे हैं। हमेशा इलेक्शन में ये होता है कि मैनिफेस्टो पार्टी भी अपना जारी करती है, उम्मीदवार भी अपना जारी करता है। इससे पहले हमने भी हमारा मैनिफेस्टो ही जारी किया, मगर 2019 एक ऐसा इलेक्शन रहा जिसका मैनिफेस्टो पे काम सबसे ज़्यादा हमने किया, पार्टी के लोगों ने किया, और जिस उम्मीदवार के लिए किया उससे ये उम्मीद थी कि अगर 10% भी, क्योंकि उस वक्त भी लोग बोला करते थे कि मौजूदा MLA काम नहीं करते, मगर हमने उस वक्त जो मैनिफेस्टो उनके लिए तैयार किया था, इस उम्मीद के साथ किया था कि 10% भी अगर वो काम किए तो मालेगांव शहर में एक अच्छा काम हो सकेगा। मगर उस पर अब मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि मौजूदा MLA मुफ्ती इस्माइल साहब खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोले कि उन्होंने मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया। इसलिए हम चाहते थे कि आवाम जो है उसको कोई गारंटी दी जाए, तो उसको भरोसा बैठना चाहिए कि काम किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। तो हमने कोशिश ये की है कि मसला क्या है, हमने बहुत जम्बो जेट मैनिफेस्टो जैसा नहीं बनाया है, हम वही काम दिए हैं जो हम कर सकते हैं, और हमारी कोशिश यही रही कि काम हम किस तरह से, मसला क्या है और उसको हम हल किस तरह करेंगे। इस तरह की बातें शान की गारंटी में दी गई, उसमें मैं चंद मिसालें दे सकता हूं कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, जिसके ताल्लुक से 25 साल पहले ऐसा था कि प्राइमरी में पढ़े हुए लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर से बनते थे, यहाँ तक कि गल्फ कंट्रीज में भी आज प्राइमरी, मालेगांव प्राइमरी के पढ़े हुए लोग आज गल्फ कंट्रीज में भी नौकरी कर रहे हैं, जिनके फोन वगैरह आते हैं, मगर आज यहाँ बैठा हुआ हर शख्स, मीडिया वाले भी और हम खुद भी उसी में है कि कोई अगर हमको बोल दे कि यार तुम्हारे बच्चे को प्राइमरी स्कूल में दाखिल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी ये चाहेगा कि उसका बच्चा कॉरपोरेशन की प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल कर सके। ये हालत प्राइमरी एजुकेशन की आ गई, और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो तालीम का बुनियादी एजुकेशन है, और गरीब के लिए प्राइमरी स्कूल ही सबसे बेहतर है। मैं यहाँ तक मानता हूँ कि शान हिंद है वो खुद भी प्राइवेट संस्था के जरिए स्कूलें चलाती हैं, रिजवान सर यहाँ बैठे हैं वो खुद एक प्राइवेट संस्था में एक प्रोफेसर हैं, मगर प्राइमरी में जो सरकार खर्च करती है वो प्राइवेट से ज़्यादा प्राइमरी में खर्च करती है, मगर ये हमारे शहर के लीडरान की नाकामी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ तबाह कर दिया गया। और 1999 में शेख रशीद साहब जब आए, उसके बाद से उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को धीरे धीरे ख़त्म किया और उसको कमर्शियल करने की कोशिश किया, और कमर्शियल भी अपने खुद के मुफाद के लिए, कई हॉल बना दिए गए, कई शॉपिंग बना दी गई, इलीगल तरीके से कई जगह पर ऐसा कब्जा कर लिया गया जहां पर मनसियात और गुंडागर्दी करने वाले लोग वहां जमा होने लगे। हमने ये कोशिश की है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, शहर में 13 ऐसे कैंपस हैं मालेगांव शहर में जिसे अच्छी तालीम के लिए बनाया जा सकता है, कुछ 60 प्राइमरी स्कूलें अलग अलग हिस्से में चलती है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो 13 कैंपस में वो सारे स्कूलों को लेकर आ जाएं और वहाँ पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, जैसे रईस शेख साहब ने भिवंडी में किया, और एक अच्छी तालीम बुनियादी वहाँ पर लोगों को दी जा सके। तो एक ऐसा हमारे पास एक अमली तौर पर करने के लिए काम है, उसके लिए हमारे पास टीम है, तो ये एक तालीम की बात हो गई। दूसरा, मालेगांव शहर में आज इलेक्शन के कैंपेनिंग में कोई ट्रैफिक की बात नहीं बोल रहा है, जबकि हम ऐसा मानते हैं कि आज बहुत बड़ा मसला मालेगांव शहर में चलने के लिए ट्रैफिक का है और लोग उसमें परेशान हैं। और ये मसला इसलिए खड़ा हुआ कि शहर में जितने भी इन 25 सालों में कोई नया रास्ता नहीं बनाया गया, जबकि होना ये चाहिए था कि एक नया रास्ता बने, मगर कोई भी नया रास्ता नहीं बनाया गया। हमने एक रास्ता जो था 14 नंबर स्कूल के पास,
हम कोई पावर में नहीं है, मगर एक रास्ता आप देख सकते हो अभी भी एक शानदार रास्ता लाइट वगैरह के साथ वहां पर काम आखिरी मरहले में है। ऐसे ही जो समाजवादी ऑफिस आगरा रोड के सामने दगड़ू ऑयल मिल है, वहां का मेरा 90% पेपर वर्क मुकम्मल हो गया है। वो रास्ता अगर खुलेगा तो जाएगा कब्रस्तान के पीछे का जो गेट है वहां पर निकलेगा, और जब वो रास्ता निकलेगा तो मिर्जा गालिब रोड का जो ट्रैफिक है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आज मिर्जा गालिब रोड को हम कोई चौड़ा नहीं कर सकते, उसको कुछ नया नहीं बना सकते, वो अब रोड वैसे ही रहेगा। हर शहर में वैसे ही होता, पुरानी जो शहर हो जाता है तो नए रास्ते तलाश करना पड़ते हैं। तो ऐसे कई 10 रास्ते हैं, ये उपकार सिनेमा के पास का रास्ता है, ऐसे बहुत से रास्ते हमारे पास हैं जो हमने लिस्ट में लिया है, जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे कि ऐसे रास्ते खोले जाएं। मेडिकल हेल्थ के ताल्लुक से मालेगांव शहर में एक जनरल हॉस्पिटल तो बना, मगर उसे आज भी सिविल हॉस्पिटल का दर्जा नहीं है, वो नासिक सिविल हॉस्पिटल के मातहत चलता है। और ये बोला जाता है कि मालेगांव जिला नहीं है, अगर वो सिविल हॉस्पिटल बन जाता तो एक सरकारी MBBS कॉलेज बन सकती थी, मगर जिला नहीं है। अब उसके बाद भी अमरनाथ कारपोरेशन जो है वहाँ की जब हमने मालूमात ली है तो वहाँ पर वो भी जिला नहीं है, वहाँ आबादी 253,000 है। हमारी करीब करीब आबादी 10 लाख के करीब, अगर सर्वे हुआ होता तो 10 लाख के करीब आबादी होती। तो वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है और MBBS कॉलेज भी है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो सिविल हॉस्पिटल है इसको 500 बेड का हॉस्पिटल किसी तरीके से करके एक सरकारी MBBS कॉलेज बनाया जाए। जिस तरीके से अमरनाथ में अगर हो सकता है जो जिला नहीं है, तो फिर मालेगांव में इतनी बड़ी आबादी होने के बाद वो मुमकिन है। हम वहाँ पे किस तरह से उन लोगों ने किया है उनसे बातचीत करके वो कोशिश करेंगे। इसी तरह कई बुनियादी मामले में हम गारंटी के साथ आवाम के सामने जा रहे हैं। सनद का सवाल है, बिजली का जो सबसे बड़ा अहम सवाल है कि मुसलसल बिजली कंपनी जब से आई है वो मुसलसल लोगों को तकलीफ दे रही है। उनके लोग आते हैं, कनेक्शन काट देते हैं, और MD शूटअप, इस तरह के कई मसाइल में लोग घिरे हुए हैं। हम खुद ये बात इससे पहले भी जलसे में बोले हैं कि अगर हम चुनकर आए तो कलकत्ता कंपनी को कैसे कलकत्ता भेजना, उसके लिए हम कानूनी तौर पे जो कर सकते हैं कर सकते हैं, मगर हम हर बात कानूनी ही नहीं करेंगे। अगर उसके लिए हमको सियासी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और ख़ास तौर से दबदबे का इस्तेमाल करना पड़ा, तो मैं हर बात बोल के नहीं बता सकता, लेकिन आवाम ये बात जानती है कि नेहाली लोग जो है उनके पास कई रास्ते होते हैं। हम उन रास्तों का इस्तेमाल करके, हो सकता है कि वो रास्ता हमारे लिए कोई गलत हो करने के लिए, मगर जिस तरह का आजाब बुनकरों पे और पावर के कंज्यूमरों पे कलकत्ता कंपनी का है, तो हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे। और इंशाल्लाह उनको 5 साल अगर हमको चुन के दे दिए तो 5 साल के अंदर हम उनको इस शहर से भेज देंगे। बाकी सब बातें होते रहेंगी, 20 साल का एग्रीमेंट है, ये है वो है, हमको कैसे निपटना है वो हम गारंटी देते हैं कि हम ये काम करेंगे। इसी तरह मजदूरों के ताल्लुक से कोई बात नहीं बोली जाती। मैं ये बात मानता हूँ कि अगर बांध काम मजदूरों का बोर्ड बन रहा था, अगर उस वक्त मौजूदा MLA जो मालेगांव शहर जैसे पावर लूम सेंटर के MLA हैं, जो पावर लूम सेंटर के MLA के नाम से जाना जाता है मालेगांव का MLA, अगर उस वक्त वो अपनी बात रखते कि पावर लूम मजदूरों के लिए भी एक बोर्ड बना दिया जाए। हमेशा ऐसा होता है कि सरकार, देखो कोई भी हो, कुछ काम हिकमत से किया जाता है। एक चीज़ हो रही है तो तुम उसमें अपनी बात रख के अपनी बात मनवा लो, और मुमकिन है कि जब कोई चीज़ होती है तो सरकार को ना चाहते हुए भी करना पड़ती है। इसकी मिसाल रईस शेख साहब हैं, जो फिरका परस्त सरकार होने के बाद उन्होंने अपना एक स्टडी ग्रुप पावर लूम के लिए बनाया। मालेगांव शहर में पावर लूम परिषद हुई, उसके बाद कई मीटिंगें हुई, हम भी वो मीटिंग में थे, और आज वो सब्सिडी लोगों को उसमें मिल रही है, और वही वो स्टडी ग्रुप अभी भी कायम है। मगर उसमें भी ऐसा हुआ था कि मौजूदा MLA पावर लूम सेंटर का होने के बावजूद उस स्टडी ग्रुप में नहीं थे। अगर हम आए तो हम वो स्टडी ग्रुप जो बना है हम उसमें शामिल होंगे, और जो बुनकरों के मसाइल है और मजदूरों के मसाइल है वो दोनों के लिए है, वो पावर लूम प्लेन पावर लूम के लिए स्टडी ग्रुप बना है। तो हम कोशिश करेंगे कि मजदूरों के लिए कोई बोर्ड बनाया जाए, और कई स्कीमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की है, हम हमेशा
स्कीमों का फायदा लोगों को देने की कोशिश करते हैं, वो भी देंगे, मगर एक मालेगांव के लिए पावर लूम मजदूरों के लिए एक पावर लूम मजदूरों का बोर्ड जरूर बनाएंगे। इसी तरह कई इमरजेंसी के हालात, खासतौर से पानी का जो सवाल है, 5% पानी पट्टी। मैं हमेशा बोला हूँ कि मालेगांव शहर के लोग जो भी लीडर हैं, तुम हमेशा देखे होंगे हमने कभी 5% पानी पट्टी कम हो इसका लेटर भी नहीं दिया। आज तक हमने लेटर नहीं दिया, हमने 65 लेटर ये जरूर दिया कि दाबाड़ी को पानी ना दिया जाए, तलवाड़ा की नई पाइपलाइन जारी की जाए, क्योंकि जो लोग 5% पानी कम हो ये बात बोलते थे उनको सियासी ना समझ थी ना उनको ये समझता था कि ये किस तरह से हो सकता है। बस ऐसा है कि कोई आके बोला, एक बयान भी दिए, नुमाइंदगी इस शहर में ऐसा हो गया है कि एक लेटर का देना या किसी से मिल लेना इसको कयादत और नुमाइंदगी समझा जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। हम आज भी ऐलानिया यहाँ से भी बोलेंगे कि अगर कोई रोड और गटर बारीक बारीक गलियां और बोल बनाने के लिए ओढ़ देने की बात शान को करेगा तो कोई मतलब की बात नहीं है। 13 उम्मीदवार में किसी को भी अगर वो ओढ़ देगा वो MLA बनेगा 13 की 13 उम्मीदवार में से। तो मैं ये बात मानता हूँ कि ये 5 करोड़ का जो MLA फंड होता है वो घर बैठ के आता है, वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है शान इनको ही वोट दिया जाए। लेकिन अगर वोट देना है तो रोज़गार का सोचिए, हेल्थ का सोचिए, इस शहर में एजुकेशन कैसे अच्छा बेहतर हो उसका सोचिए, बाकी जो बुनियादी काम है वो MLA की हैसियत से बहुत अच्छे ढंग से किए जा सकते हैं। और जो फिरका परस्तों का सवाल इस शहर में बढ़ गया है वो किस तरीके से कम हो, और पानी जो 5% पानी पट्टी कम किस तरह से होंगी, हमने इससे पहले ही बताया कि जैसे ही तलवाड़ा की पाइपलाइन जो काम जारी है और हमारी कोशिश से जारी है, वो जैसे ही ATT के फिल्टर प्लांट पे वो पानी शुरू होगा उसके फौरन बाद हम गिरना डैम का पानी जो 80% लिया जा रहा है उसको कम करेंगे, और जो नफा नुकसान की बुनियाद पर जो स्कीम चल रही है वो अपने आप लेवल होंगी, और वो लेवल होते से ही हम 5% पानी पट्टी फौरन कम कर देंगे। ये सीधा सीधा हमारा हिसाब किताब है। इसी तरह और कई चीज़ें हैं जो हमने इसमें लिख दी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल में अगर हम गारंटी दे रहे हैं और बोल रहे हैं गारंटी से, तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें इसमें लिखी है वो तो हम गारंटी से करें। इसके अलावा भी अगर कुछ काम आते हैं, इन 5 सालों में हालात बदलते रहते हैं, अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, इंडिया अलायंस की सरकार बनी, जो कि हालात वैसे लग रहे हैं, तो मालेगांव शहर में सिर्फ समाजवादी की उम्मीदवार है जो उस अलायंस का एक हिस्सा बनेगा। और आज 2 उम्मीदवार जो हैं, एक तो खुला BJP के साथ चल रहे हैं अजीत पवार, उनके उम्मीदवार हैं, अब इसमें कोई दो राय या कोई शक भी नहीं बचा है, ऑफिशियल बड़े न्यूज़ चैनल भी ये बात बोलने लगे हैं। दूसरा जो है मौजूदा MLA जो है, उन्होंने इससे पहले खुद बोला था इस्लामाबाद या किले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं 2.5 साल UT सरकार के साथ रहा, यानी BJP के साथ रहे, मतलब अगर ये दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी चुन के जाएगा तो ये UT सरकार के साथ रहेगा और हम जो है इंडिया अलायंस के साथ रहने वाले हैं, और इंशाअल्लाह जो काम आज हम गारंटी के साथ दे रहे हैं वो भी करेंगे, और हालात के जैसे हालात 5 सालों में आएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे, और कोई काम करने की ज़रूरत होगी वो भी करेंगे। हम बस आवाम से यही चाहते हैं कि शान की गारंटी जो आने वाले मुस्तकबिल के लिए है, जो आने वाले शहर की मिली शनाख्त के लिए है। दूसरी एक बात मैं बोल दूँ कि मालेगांव शहर का अपना एक मिली शनाख्त है, हम हमेशा बोलते कि ये शहर मजहबी है मगर शिद्दत पसंद नहीं है। अगर मजहबी है, मुसलमानों का शहर है, तो उसकी शनाख्त दिखना चाहिए, और यही वजह थी कि मछली बाजार में निहाल साहब ने नूरी टावर बनाया था, मगर आज आप देखेंगे शहर में लोग आते हैं तो हमें कहीं से हमारी मिली शनाख्त नहीं दिखती है, और हम ये बात मानते हैं कि हमारी मिली शनाख्त मालेगांव शहर में आने के फौरन बाद दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। हम कोशिश करेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हो या किसी और जरिए हो, हमारे शहर की मुसलमानों की मिली शनाख्त अगर मालेगांव में कोई आए तो उसको लगे कि ये शहर मुसलमानों का है, इसकी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा है, मैं शायद उसमें लिखा भी हूँ। मैं इसके ताल्लुक से सबसे पहले, मैं जब हमारी कॉरपोरेशन में एक मीटिंग हुई वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ, तो मैंने उसमें वो बात
वो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बोला था यार ये ऐसा ऐसा एक चीज की जाए, 10 एकड़ वहाँ जमीन है, यानी गिरना डैम पंपिंग के बाजू में 10 एकड़ जमीन है। उसके लिए हमने जब गुलाब राव पाटिल को लेटर दिया तो उन्होंने कहा कि ये अजीत पवार किससे आप लोग को मिलना चाहिए, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की जमीन है, तो उनसे अगर मिलेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जैन पाटिल से, अजीत पवार से, जैन पाटिल, हमने जैन पाटिल को भी लेटर दिया था और वो सोलार सिस्टम हम लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जमीन अगर मिलेंगी तो कॉरपोरेशन वहाँ सोलार सिस्टम लगा सकती है। बात यही है कि जो हम जो चाहते हैं, पहला हमारा मकसद है कि तलवाड़ा से हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें। आप अगर देखेंगे कि तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा, जो साइंस यानी जो टेक्निकल या मेडिकल लाइन से गिरना डैम का पानी सही है, उसकी क्वालिटी ये मेडिकल लाइन से सही है, मगर हर चीज़ मेडिकल लाइन से ही नहीं होती। तलवाड़ा का पानी जो है वो बहुत बेहतर है, और जो खुजली की बीमारी मालेगांव शहर में, मुझे यहाँ बैठे हुए भी सैकड़ों लोग होंगे जो इसमें हैं, ये एक वजह गिरना डैम स्कीम भी है, उसका पानी है, क्योंकि वो पानी ही मृत तो साटा है, लेकिन आज हमको ज़रूरत है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर हम तलवाड़ा से ज़्यादा पानी ले और वहाँ सोलार सिस्टम बैठा दे तो हमारा खर्चा 5% पानी पट्टी कम, क्या हम अगर ये 15 साल में पानी पट्टी इतनी लंबी बढ़ गई है तो हम कोशिश करेंगे उसको बहुत तो नहीं मगर कुछ हद तक कम करें और ये 5% रोके, क्योंकि गरीब आदमी परेशान हो रहा है। तो सोलार सिस्टम और तलवाड़ा, हमारा मेन मकसद है तलवाड़ा से हम 60% पानी कम से कम लेना शुरू करें। ट्रैफिक का आपने बताया, ट्रैफिक पहल के लिए वो पुल नहीं बनाया गया था, वो पुल सिर्फ जहूर खान, रिजवान खान और मुस्तकीम डिग्निटी शान हिंद के लिए बनाया गया, इसके अलावा मुझे कोई बता दे वो पुल से उसको फायदा हो सकता है। मैं आज भी बोलता हूँ आसिफ शेख अगर वो ब्रिज पर आकर खड़े होकर, ये इलेक्शन के तभी 4 दिन बाकी है, और झंडा लेके ये बोल ले कि ये मेरा कारनामा है और इससे ये फायदा होगा तो मैं मान लूंगा। प्लानिंग, पढ़ा लिखा होना और सियासी समझ और ठेकेदारी जहन से अगर निकाल दी जाए तो वहाँ स्काई वॉक की ज़रूरत थी। बुलंद इकबाल और मैं, हमने पूरी कोशिश की कि वहाँ स्काई वॉक बने, यहाँ तक कि हाई कोर्ट गए, आर्बिट्रेशन बैठा दिए। आर्बिट्रेशन में भी ऐसा हुआ कि उस वक्त इब्राहिम सेठ मेयर थे, इन्होंने बातचीत करके इसका चेक दे दिया, तो हाईकोर्ट ने ये बोली कि यार हम नहीं बोल सकते कि वहाँ ब्रिज बनेगा कि स्काई वॉक बनेगा या फिर वो 16 करोड़ की डामर की रोड बनेगी, और वो बात बराबर थी जज की, क्योंकि वो फैसला ये कैसे करेंगे, तो बोले आर्बिट्रेशन बनाते हैं उसमें बुलंद भी था, हमने वहाँ भी हमारी बात रखी, मगर क्या मत मारी गई थी आसिफ शेख की या ठेकेदारी की लालच थी ये मुझे नहीं मालूम, मगर इतना बड़ा बेवकूफ़ी का ब्रिज, मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार आदमी जिसको सियासी समझ हो, जिसको शहर समझता हो, कि गाड़ी क्या आएंगी, आप मुझे बताओ बस नीचे से आने वाली है, सारे रिक्शे कुसुम्बा रोड से लेके हजार खोली तक सब नीचे से जाने वाले हैं मछली बाजार तक, उसके बाद तुम्हारे जितने स्कूल के बच्चे हैं वो सब नीचे से जाने वाले, तो ब्रिज पे से जाएंगा कौन, ब्रिज पे से जाने वाले मुझे नहीं लगते, आउटर के लोग जाने वाले, एकदम सिटी की बात है, आप कोई भी बड़ा शहर उठा के देख लो, मुझे नासिक में बताओ कि सिटी में कौन सा ब्रिज है, एक सिटी में ब्रिज बताओ नासिक में, नेशनल हाईवे पे, जब एक नेशनल हाईवे है जहाँ से बाईपास से गाड़ियाँ चली जाती है तो सिटी में कोई ब्रिज नहीं बनते, और बनते हैं तो उसको उस लाइन से बनाया जाता है, यहाँ स्काई वॉक की ज़रूरत थी मगर वो समझ उनकी नहीं थी, एक आजाब आ गया, हम स्काई वॉक का सवाल उसमें रखे होते वहाँ पर, मगर ये ब्रिज जो इस तरह का बना दिया गया तो अब वो टेक्निकली कैसे बन पाएगा आज हमको उसकी गुंजाइश नहीं दिखती, इसलिए हम आज वो बात नहीं बोले। सभी पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो बोल रहे कि यार बुनियादी सहूलत अगर इन 25 सालों में दी गई होती, देखो ये दोनों लोगों की हार की निशानी एक ही है, मौजूदा एमएलए बोलते इन्होंने काम नहीं किए, ये बोलते इन्होंने काम नहीं किए, एक सीधा सा मैसेज है कि काम दोनों ने नहीं किए, हम कोशिश करेंगे बुनियादी सहूलत देने की। और दोनों इसलिए नहीं बोल सकते कि दोनों इक्तदार में थे, कारपोरेशन में शेख रशीद साहब और उनकी अहलियाँ थी, तो शेख आसिफ साहब ठेकेदारी कर रहे थे तो वो कैसे बोलेंगे, और एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब थे उन्होंने नहीं किया, तो ये दोनों इसीलिए मुद्दों से हटके गैर जरूरी बात करते हैं, शहर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात ही नहीं करते, ताकि अगर ये बात करेंगे तो दोनों इसके मुजरिम हैं।
के जो मनसियात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है शहर में, उसकी एक वजह ये है कि फूड एंड ड्रग्स का यहाँ पे ऑफिस नहीं है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको नासिक चेक करने के लिए ले जाते हैं। उस वक्त तक वकील जो हमारे तौसीफ वकील भी बैठे हैं, वकील लोग बड़े माहिर होते हैं कोई अपने मतलब और अपने फ़ायदे की बात निकालने के लिए, तो फौरन जो है वो चेकिंग और वहाँ से आने जाने का जो वक्त लगता है उसमें जो आरोपी है वो फौरन छूट जाता है। तो हम कोशिश करेंगे फूड एंड ड्रग्स का एक ऑफिस, एक ब्रांच मालेगांव में बने, और इसके लिए हमने एडिशनल एसपी से अभी भी ये गारंटी के दौरान भी मैं उनसे मिला और बात किया कि आपने ऑफिशियली क्या क्या काम किया है, तो उन्होंने हमको लेटर भी दिया कि वो खुद भी चाहते हैं कि फूड एंड ड्रग्स का ऑफिस बने। मगर बात ऐसी है कि कोई डिपार्टमेंट हमेशा क्या चाहता है वो देता है, मगर लीडर का काम है कि डिपार्टमेंट अगर कोई चीज़ चाह रहा है तो उसके लिए कोशिश करके करवा लेना, तो वो भी हम कोशिश करेंगे। बोलने का मतलब ये है कि हमने ये गारंटी ऐसे ही नहीं बनाई है, हमको जहाँ जहाँ जिससे बात करनी थी और हल बताया हम, वो हमने कोशिश की है बात करके। नहीं लग रहा है कि मौजूदा एमएलए का कोई मैनिफेस्टो आया है, इस मरतबा वो मैनिफेस्टो उनको निकालना चाहिए। पिछला ही मैनिफेस्टो बोल ले गया, इसको ही आगे बढ़ा दूंगा तो अच्छा है उनके लिए। कल आप देख लीजिए, वो उनकी उनकी मामला ऐसा है कि बंबई से निकले आलीशान गाड़ी में, बड़ी आलीशान गाड़ी में उनके ही लोग वीडियो भी डाले, और उसके बाद आकर ठहरे के आगे आके कोई, मैं पहली बार देखा हूँ कोई एक पेशेंट दो एम्बुलेंस गाड़ियों के साथ में आ रहा हो, तो ये बात जरा मुनासिब नहीं है। सेहत जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत और नेमत है, इसमें अगर इससे हम एतराज करते हैं या ऐसी हरकत करते हैं ये नाशुक्री होती है, मैं ये मानती हूँ। इसलिए अल्लाह की रहमत और नेमत से नाशुक्री नहीं करना चाहिए इंसान, जो जैसी पोजिशन में है जैसा है वैसा दिखाना चाहिए। दिखावा कर रहे थे क्या? नहीं, उनके तरफ से एक वीडियो आया जिसमें वो बहुत हशाश बशाश लगे मोबाइल पर बात कर रहे थे, हम लोग भी देखे, हमको भी बहुत खुशी हुई कि शहर के मौजूदा एमएलए बहुत सेहत याब हो गए। लेकिन बहुत दुख हुआ जब वो मालेगांव शहर आए तो उनकी हालत देख के बहुत अजीब लगा कि वो बिल्कुल एम्बुलेंस में थे। हम लोग उनको सेहत याब देखना चाहते, इस हालत में देख के बहुत दुख हुआ। जानबूझ के बनाए, कहीं ऐसा नहीं होता कि एक पेशेंट दो एम्बुलेंस में आए। जरा मैं उस पर कुछ और भी बात बोल सकता था, मुनासिब नहीं।